माई चैनल। होप कि आप सब अच्छे हो, सेफ हो, मज़े में होगे। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये ट्रेडिशनल छठ पूजा मेकअप लुक। सो या छठ पूजा बस आने ही वाला है, तो मैंने सोचा हर बार मैं करती हूँ छठ पूजा लुक, तो इस बार कैसे मैं रहने दूँ। सो या छठ पूजा के बारे में तो शायद आप सब जानते होंगे, ये एक बिहार का बहुत ही बड़ा मीन्स बहुत ही बड़ा पर्व है, और मैं भी बिहार से हूँ और मेरे लिए ये पर्व मीन्स मतलब पूछो नहीं, मैं इस पर्व के बहुत ही ज़्यादा करीब हूँ। मुझे ये फेस्टिवल इतना ज़्यादा पसंद आता है ना, इस बार मैं सिर्फ घर नहीं जा पा रही हूँ किसी कारण से, बट हर बार मैं छठ पूजा में घर चली ही जाती हूँ। सो या ये ओवरऑल लुक जो है मैंने स्पेशली इस पूजा के लिए क्रिएट किया है। सो इस तरह से सिंदूर लगाते हैं हम औरतें जो भी छठ करती हैं, या फिर जो नहीं भी करती हैं बट मैरिड होती हैं, वो इस तरह से नाक से लेके मांग अपना भरती हैं। सो ये एक बहुत ही बड़ी मान्यता है जो बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही सगन की बात है ये, इस तरह से नोज से इस तरह से सिंदूर लगाना, मांग भरना, और ऑरेंज कलर का सिंदूर जिसको लगाना कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, लिटरली मुझे बहुत ही पसंद आता है गाइस। सो या इस तरीके से मैंने ये लुक क्रिएट किया है, और ये लुक बहुत ही इजी पीजी सा है। और अगर आप छठ पूजा नहीं भी करते हो ना, तो आप इस लुक को किसी भी पूजा फेस्टिवल में कर सकते हो। अब तो मीन्स बैक टू बैक इतने सारे फेस्टिवल आ रहे हैं गाइस, तो आप किसी भी पूजा फेस्टिवल ओकेजन वेडिंग में कहीं जा रहे हो तो आप इस लुक को क्रिएट कर सकते हो। सो या गाइस ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, इंट्रो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। सो गाइस मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया है, मैंने फेस वॉश कर लिया है, फिर मैं यूज़ कर रही हूँ टोनर। सो इसको मैं इस तरीके से पैट पैट कर लूँगी सो डैट ये मेरी स्किन में ना काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये टैग का दी आयुर्वेदा कोका ग्लो क्रीम है ये, विथ SPF के साथ आता है ये। सो अच्छा खासा मैं इसका अमाउंट लेके एंड देन अप्लाई कर लूंगी। मॉइस्चराइज कर लेने के बाद ना फेस बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटेड एंड बहुत ही नरिश फील होता है। लिप बाम के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ खादी एसेंशियल का लिप बाम, टिंटेड लिप बाम है ये। जब तक हम मेकअप करेंगे हमारा लिप्स भी मॉइस्चराइज हो जाएगा, हाइड्रेट हो जाएगा। अब मूव ऑन करते हैं मेकअप की तरफ। तो मेकअप में सबसे पहला स्टेप मैं यूज़ करने वाली हूँ ये प्लूम का सिल्क ब्लब मॉइस्चराइजिंग प्राइमर है ये। ये मॉइस्चराइज भी करता है और प्राइमर का भी काम करता है, मीन्स 2-in-1 है ये स्टेप जो है। लगा लेने के बाद इतना ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ लग रहा है, बहुत ही अच्छा फील आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा सही। इसके बाद मैं आज कोई भी मतलब फाउंडेशन नहीं यूज़ करने वाली हूँ, मैं डायरेक्ट कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और सिर्फ कंसीलर ही यूज़ करूँगी। मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइट की HD कंसीलर, बहुत ही अच्छा कंसीलर है ये, बहुत ही अच्छी इसकी कवरेज है। ब्लेंड करने के लिए मैं ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। बेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ के ब्यूटी का लूज पाउडर। सबसे पहले तो आईज़ के पास सो डैट हमारा जब हमने कंसीलर लगाया होता है ना तो वो क्रीज बहुत ही जल्दी हो जाता है, तो मैं इस तरीके से ब्रश पे ही पाउडर लेकर एंड देन आईब्रो कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। तो वेट एंड वाइल्ड का अल्टीमेट ब्रो किट मैं यूज़ कर रही हूँ और इसमें से मैं ये डार्क शेड को लेकर अपने आईब्रोज के गैप को फिल इन कर ले रही हूँ। आई लुक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मार्स का मेस्मराइज आई शेडो पैलेट और इसमें से मैं ये वाला शेड लेकर इसको अपने क्रीज पे बिल्ड करूँगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी।
इसके बाद ये जो थोड़ा सा डार्क ऑरेंज कलर है ना, इससे इसको मैं लूंगी और सेम आउटर वी पे प्लेस करूंगी। इसके बाद मार्स का ये दूसरा पैलेट है, इससे मैं ये ब्लैक शेड लूंगी और इसको मैं अपने आउटर वी पे कलर को प्लेस करूंगी। फिर इस पैलेट से ये येलो सिमर शेड को अपने आईलिड पे प्लेस करूंगी, दैट सेट। मैं क्या करती हूँ ना, फिंगर से कलर को प्लेस तो कर लेती हूँ, फिर एक फ्लैट शेडर ब्रश लेके इससे अच्छे से शेप देने में होता है मुझसे, तो मैं इसी तरीके से प्लेस करती हूँ। और इसको क्या करेंगे, हम ओवरलैप कर देंगे इस तरीके से ब्लैक शेड पे, दैट्स इट। ये हो गया। अब पाउडर को ब्रश पे लेकर इस तरीके से डस्ट ऑफ कर देंगे, जो भी हल्का फुल्का फॉल आउट हुआ है उसे हम क्लीन कर लेंगे। फिर मैं काजल के लिए यूज़ कर रही हूँ ये जस्ट हर्व का काजल, और इसको मैं अपने वाटर लाइन पे लगाऊंगी। फिर ये जो लाइट शेड सबसे पहले यूज़ किया था ना, एज ए ट्रांजिशन शेड, जिसको इसको अपने लोअर लैस लाइन पे लगा लूंगी। मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये कलर बार का मस्कारा। कॉन्टोर करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कलर एसेंस का ये मैट ब्रॉन्जर। अपने फेस पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर लेते हैं हम। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये इनवाइवेका सनसेट स्काईलाइन ब्लश। ओ माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत सा पिंक कलर है ये, और काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड भी है, तो मैं इसको डस्ट ऑफ कर रही हूँ अपने हैंड के बैक साइड पे। सी कितना ज़्यादा दिख रहा है, अगर डायरेक्ट मैं ऐसे लगा लेती तो क्या होता। हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये के ब्यूटी का हाइलाइटर इन दी सेट सनलिट गोल्ड। लिपस्टिक को लगाने से पहले मैं लिप लाइनर लगा रही हूँ, ये स्विफ्ट ब्यूटी का लिप लाइनर है इन दी सेट हॉट रेड 05। और उससे पहले मैं लिप बाम हटा लेती हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ ये मामा अर्थ का मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक इन दिस शेड रेसबेरी स्कारलेट। वाओ, कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सी गाइस, अब अपने मेकअप को फिक्स कर लेते हैं। रेड कलर की बिंदी के बिना ये लुक नहीं कंप्लीट होगा, तो मैं पहले बिंदी लगा लेती हूँ। सो गाइस, ऑफ कैमरा मैं फॉल्स लैसेस लगा लिया है, जिसको लगाने के बाद जो है ना, मेकअप आपका नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। और ये मैंने अपना ओवरऑल लुक कंप्लीट किया विथ दिस रेड बिंदी। और ये जो सिंदूर है, ये ऑरेंज कलर का सिंदूर है, और इस सिंदूर की बहुत ही ज़्यादा मान्यता होती है छठ पूजा में। जो भी औरतें छठ पूजा करती हैं वो भी लगाती हैं, और जो नहीं भी करती हैं उनको भी वो दूसरी औरतें लगाती हैं एक दूसरे को। मीन्स इस तरह से नाक से सिंदूर लगाना, ये हमारे छठ पूजा की मतलब बहुत ही ज़्यादा मान्यता है।
तो इस तरह से मुझे सिंदूर लगाना ऑरेंज कलर का बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। मैं जब भी जाती हूँ ना घाट पे, मैं इस तरह से मांग भरवाती हूँ नाक से लेके, इस तरह से बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। मैंने पहले भी बताया है आप लोगों से कि मैं बिहार की हूँ और ये बिहार का बहुत ही बड़ा पर्व है छठ पूजा जो है, तो मुझे ये फेस्टिवल बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही दिल के करीब है। सो या इस तरह से मैंने अपना ये लुक कंप्लीट किया। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल गाइस, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना सो डैट मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से फिर मेरी वीडियो जो है वो मिस नहीं हो। सो या गाइस, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।